जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अंडर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। जी मैं आज आया हुआ हूँ एक ऐसे गांव में जिसके अंदर लेक सुपर लीग हो रही है और आगे हो चुका है इसका ना सीजन आउट हो चुका है टेबल का, क्योंकि बरसात का मौसम सारा आप देख रहे होंगे, ये सारी जमीन गीली है, ठीक है। और ये पूरे गाँव का किंगरा के बिल्कुल साथ गाँव है पिंडी मनासा के नाम से। यहाँ पे सीन ये है कि पूरे गाँव के अंदर जो टीमें हैं, बड़े बुजुर्ग बूढ़े बच्चे सारे मिक्स हैं, तकरीबन 13 से 20 टीमें हैं और मिक्स मैच हो रहे हैं, छोटे बड़े साथ ही। बाबा भी यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे चाचू फराज भी उधर हैं और ये लाइव भी चल रहा है जी इधर। बहुत बड़ा मैदान है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मजा आया। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बैचलर ऑन द फायर और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत कम गाँव होते हैं यहाँ पे ऐसा माहौल बनता है। हमारे गाँव में तो सीन ये है कि हर बंदे चल रही है, यहाँ पे जो बुजुर्ग भी बैठे हैं, वहाँ पे जवान लड़के जिनकी जो टीमों में जिनके अंदर नाम वगैरह भी अंदर है सारे शामिल हैं बीच में, वो बैठे हैं। ये बुजुर्ग इधर बैठे हैं, बाबा भी मारे इधर बैठे हैं, मैच को इंजॉय कर रहे हैं, चाचू फराज बैठे हुए हैं और वो एम्पायर लिस्ट वाले बंदे हैं ये रहे जी जिनके पास लिस्ट वगैरह है। पूरा गाँव इकट्ठा हुआ हुआ है और रौनक लगाई हुई इन्होंने। टीम का रश होने की वजह से कोई पता नहीं लग रहा कौन सी टीम खेल रही है कौन सी नहीं खेल रही, लेकिन ये है कि जो साल लगते उसका मजा बस यहाँ पे यही बचा था क्या करना। अच्छा जैसे उठे जड़ियाँ बननी है ने देगा पकड़ी भी इन्होंने भी अच्छा जी। तो अभी मेरा भी मैच इधर जी जी ठीक है करें जी टास्क करें जी करें जी चाचू फराज का भी जो जी बाबा का मैच जी चाचू के साथ, चाचू को प्यार से ही रेपेंटर कहते हैं, बाबा की फील्ड के बंदे हैं और अभी टास होने लगा जी। जी बाबा की बैटिंग आ गई, अब इनके बाद बाबा लोग का मैच होगा, ठीक है। बाबा वार्म अप कर रहे हैं हाँ, ये बॉलिंग साइड में बॉलिंग का वार्म अप कर रहे हैं। ले लिया भी जैसे ही मैच ये वाला खत्म होगा बाबा का और चाचू का मैच होगा, ठीक है। एक एक ओवर का मैच है, जो हार गया वो टूर्नामेंट से बाहर और जो जीत गया वो आगे वाले स्टेप में, जैसे बिल्कुल टूर्नामेंट में होता है लीग में होता है, पहले लीग मैच होते हैं फिर क्वार्टर फाइनल फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल, ऐसे ही बहुत ज्यादा टीम है यहाँ पे, रश रुश बहुत ज्यादा। खैर उम्मीद करते हैं आपको आवाज मेरी ठीक आ रही होगी। अभी नेक्स्ट ऑडियो ये अपनी खेलेगी, इनको पूरा कवर करेंगे और अगर भाई लाइव वाले बैठे हुए हैं अब नेक्स्ट अपने पहलवान लड़ेंगे जी। ये रहे जी ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया जी। बाबा गए हैं जी भी बैट वगैरह लेने और अगर चाचू अपनी मौजूद है जी बॉलिंग साइड पर, चप्पल उतार रहे हैं, बाबा ने शूज वगैरह पहने हुए हैं। पहली बॉल कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं, और सिंगल डबल जो है वो अलाउ नहीं, क्योंकि सिंगल विकेट का मैच है और सिंगल ओवर के मैच है, चौके छक्कों से आपने रन बनाने जितना भी बनाना। खैर जी स्टार देखिए, विकेट का स्टार इधर से लाया लेती है, चाचू इधर से ले रही है। खैर जी सेकंड बॉल और बिल्कुल ऊपर से जाती है, दो बॉल में कोई स्कोर नहीं आ रही। तीसरी बॉलिंग के लिए जवेद साहब रेडी, छह रन के लिए जाएगा,
छपड़ी जो पानी पिलाओ जी घूमनी अज चार बाल छे रन और पांच भी बाल के लिए स्टार्टअप के मौजूद है नहीं चाचू मुमती वर्सेस मोहम्मद और फिर से कंधे पे अज करके निकली है जी बॉल बाबा देखे विकेट से कितनी दूर खड़े हुए हैं नहीं जी पूरे ओवर में सिर्फ छह रन अभी चाचू को दो बाउंड्रियां लगानी पड़ेंगी अगर एक बार आउट हो जाती है तो उनमें माइनस हो जाएगा रन ठीक है और अभी चाचू ही रहा जी बाबा जी चला गया जी बॉलिंग साइड पे और चाचू आ गए जी इधर बाबा का रन और बॉल ले जी दो सिक्सर काम कर रहे हैं जी कान गर्म हो गए ना जनाब चेक करो दूसरी बॉल करते वाह वाह बहुत आला जी बहुत आला वाह वाह एक बाउंड्री बाकी है भाई वाह जी वाह एक्शन नहीं चोरी करना ले जी पाल एक ही है तीसरी बार गई बाबा रन पे चाचू का सामने चाचू यार करते अपनी इनिंग को और मैच जीत गए जी दोस्त इंजॉय कर रहे हैं अपनी जी 15-16 के पास जा रही है बाबा की अभी सांस काफी चढ़ गया पानी शानी पीते हैं खैर जी चाचू ने बड़ा इंजॉय किया अपने मैच को इनिंग खेली और दुमाले डाल रहे थे लिटरली दुमाले डाल रहे थे ठीक है जी अभी नेक्स्ट टीम फिर से आ रही है बाबा भी बाहर हो गए हैं जी अभी नेक्स्ट टीम आ रही है जिनका भी उनके मैच के दौरान पास हुआ ले जी अभी जिस बंदे ने जीता मैच को उनसे पूछते हैं जी आप जीत के क्या कहना चाहेंगे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बस अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि चलो जीत गए बहुत देर के बाद हम खेले पुराने प्लेयर तो नहीं ना रहा हाँ, ये तो हमारे ओल्ड जो प्लेयर थे इंडिया को उन्होंने छठी का दूध दिखा दिया वाह 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 क्या कहने दूसरे मैच में फिर ऐसी बात है अभी बाबा से पूछे आप पूछे बाबा से कैसा लग रहा है आ जाए आज आपको कैसा लग रहा है कहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू हुआ है उस गाँव का वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्रिकेट शुरू हुआ मैं उस गाँव से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं छो मंदिर से हूँ जी जी सबसे पहला ग्राउंड उधर वाह 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 टेक्निकल शटा अरे इनके जो बुजुर्ग थे वो विकेट तैयार करते थे पैसे के साथ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं चल रहे हैं जी यहाँ पे इवेंट चल रहा है जो नेक्स्ट टीमें खेलेंगी उनके टास्क वगैरह हो रहे हैं और एक और मजे की बात है जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज करवाया ये जितना भी इनका है इनका
मैच वगैरह जितना भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, इन सब के लिए जितने भी मेहमान खुशी आए हुए हैं और जो मेहमान वगैरह देखने के लिए आए हुए हैं, जो लड़के गेम कर रहे हैं खेल रहे हैं, इन सब के लिए इन्होंने लंगर का भी इंतजाम किया हुआ है, ख़त्म वगैरह दिलाएंगे जी। अभी हमें कंफर्म हो गया, वहाँ से पूछ के आए हैं कि ये देखें बन रही हैं इसी के लिए मैच क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट के लिए। तो अभी देखोगे पास पहुँच के फिर आपको बताते हैं क्या शॉट बनते हैं जी। ये रहा जहाँ पे लंगर वगैरह बन रहा है और ये चीज़ें कटी हुई हैं और ये क्या इतनी गर्मी में अपनी जो है ना माथ पर अंजाम दे रहे हैं ठीक है। और वो डिस्पोजेबल प्लेटें वगैरह पड़ी हुई हैं और ये देखिए बन रही हैं जी। और ये माहौल है इधर हवेलियाँ वगैरह और बिल्कुल इधर से सामने निकल के आगे जो है ये वो रहा जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। पूरा गाँव जो है वो हाँ जी हाँ जी लेकिन जी पूरा गांव जो है वो गेम को लेके सीरियस है और बहुत ज़्यादा जो है ना एक इकट्ठ है पूरे गांव के अंदर बड़ा इतिहाद है, जिसकी वजह से हमेशा ऐसे काम तभी होते हैं जब पूरे गांव में इतिहाद हो ठीक है। और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए किसी गांव में इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो इतिहाद के साथ रह रहे हैं और एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके साथ मिल के जो है ना वो काम वगैरह करवा रहे हैं। और ये इधर साइड पर ये लोकेशन है ठीक है और गांव भी माशाल्लाह खूबसूरत है जिस साइड पे हम आए हुए हैं। और ये गांव है इरफान भाई का, इरफान भाई की मैं ये तस्वीर लगा देता हूँ। खैर मेरे साथ वो कभी ब्लॉग में नहीं आए लेकिन मेरे काफ़ी क्लोज हैं तो उनका छोटा भाई भी आगे मुझे मिला है। इनका गांव के आगे वो दूर रहा वो जंगल है और आजकल जो है ये फसल लग रही है इसकी ना चावल की, ये चावल की फसल वगैरह भी लग रही है कुछ जगहों पर लग गई है और कुछ जगहों पर लग रही है। बाकी गाँव बहुत अच्छा है खूबसूरत है। इधर मैच चल रहे हैं और इधर हम इंजॉय कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पे शोर हो गया इसकी वजह से खैर जो भी है सीन ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ 5 मिनट उधर रहना तो पसीना ऐसे आ जाता है। और अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं ठंडा पानी एकदम से आया है ये देखो आया है चसा हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे हमारे पीछे खड़ा हो गया सुसु कर दिए इसने ये भी मैच देखने वाला है क्योंकि जिन्होंने ये सारा मेला सजाया है उनकी जी इनिंग जारी है। और ये कदमों का इस्तेमाल और पीछे से आउट हो गए कितना टारगेट था वो नहीं कोई पता नहीं कोई पता नहीं शोर बहुत ज़्यादा इस वजह से कोई पता नहीं किसने कितना टारगेट दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे आवाम ज़्यादा होती जा रही है और जो मुझे सीन नज़र आ रहे हैं इतनी ज़्यादा टीमें हैं कि कुछ ना पूछें। और टाइम काफ़ी हो जाना मेरे ख्याल में शाम के अजान हो जानी है जब इन्होंने ख़त्म करनी ही नहीं तो मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं वापस क्योंकि अपने गांव का तो मैच है नहीं जो भी जीते हमें क्या बाबा तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हम वहाँ से आ गए हैं भूख लगी हुई थी और निकले हम आए हैं किंगरा अड्डा पे और यहाँ पर आ गए हमें लगी हुई थी भूख। अभी यहाँ से खाते हैं जी नान पकौड़े और फिर करते हैं ब्लॉग को एंड मंगवाते हैं अपना ऑर्डर और फिर आपको बताते हैं क्या शॉट बनते हैं। हम वहाँ से आ गए थे पकौड़े वगैरह खा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ ऑन द वे तो चलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।